एक और बात आपसे ऐसे जानना चाह रही थी कि आपके साहित्य में एक विशेषता है कि आपने स्त्री पात्रों के आत्मकथ्य को बहुत खूबसूरती से उभारा है, और जो देश की खास तौर से पौराणिक पात्र हैं उन पात्रों के को आत्मकथात्मक शैली में आपने लिखा है। इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली? और मैं वही प्रश्न जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था एक और बार करूँगा कि उनकी आत्मकथा कैसे लिख पाए। इसलिए ये तो अपने यहाँ एक विधा है जी जिसमें आप प्रवेश करते हैं दूसरे के शरीर, स्वयं सीता बन के, तो स्वयं माने पात्र, वो उस पात्र का जिसको लिखना है, तो एक अभ्यास हो जाता है। सीता की आत्मकथा लिखने में थोड़ा समय लगा था, भय था जी कि एक भी शब्द इधर उधर होगा, क्योंकि सीता तो जीवित है, जी वो तो उनका तो देहांत हुआ नहीं। जी अब जीवित व्यक्ति के बारे में लिखना बहुत कठिन है, जी वो तो स्वयं खड़ा होकर कहेगा कि नहीं मैं नहीं हूँ। जी तो वो जब हिम्मत कर ली, लोगों जी से प्रशंसा मिली कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, तो फिर हिम्मत बढ़ी, तो फिर हमने मंदोदरी का लिखा, जी उसके बाद सावित्री का लिखा। अब जी सोचिए कि लोग कहते हैं भारत के बारे में, यहाँ महिलाएं जलाई जाती हैं, महिलाएं सती होती हैं, फलाना चिलाना चाहिए, जो मान सम्मान अभी भी महिलाओं को है वो कहाँ है? ये बात जरूर है कि उनकी राह पे चल के हम सम्मान खो रहे हैं। मैं कहती हूँ उनकी राह पे मत चलो। जैसे वेमेन लीव का नारा आया था जी 80 के दशक में, जी तो मैंने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय नारी को यह मुक्ति कबूल नहीं, हमको पुरुषों से मुक्ति नहीं चाहिए, पुरुष तो हमारा पूरक है, वो तो पूरक बना के ईश्वर ने भेजा जी है, तो वो पुरुष का हमको सहयोग हर पल चाहिए, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, चाहे सामाजिक जीवन में समाज के किसी भाग, तो उनका तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हमारे हम पूर्ण हो पाएंगे। अर्धनारीश्वर का बिल्कुल जो इमेज है वो केवल भारत में, कहीं नहीं समानता ऐसी है दिखती। तो इसलिए एक तो एक बात, पुरुष से हमको मुक्ति नहीं चाहिए, समाज ने हमको जो काम दिया है, जिम्मेदारियां दी है, सृष्टि ने जो जिम्मेदारी दी, बच्चा पैदा करना, समाज ने कहा बच्चा को पालन करना, हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। हमको उसमें आनंद आता है, उसमें जितना संघर्ष होगा उस संघर्ष के साथ हमको आनंद आता है। जीवन आनंद प्राप्ति के लिए है, इसका उद्देश्य आनंद प्राप्त करना। तो इसलिए उस समय वो कहा था, और फिर मुझे लगता है कि भारत की नारी की जो ठीक छवि थी जी है जी उसको लेखन के माध्यम में लाना चाहिए, क्योंकि एक बड़े पोस्ट पे बैठी हुई महिला ने जब मुझसे पूछा, मृदुला बहन आजकल क्या लिख रहे हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सीता की आत्मकथा, तो उनके मुंह से निकला बेचारी सीता। मैंने कहा इसीलिए लिख रही हूँ, जी सीता बेचारी नहीं, बेचारी इतनी स्ट्रांग, जी इतनी बड़ी है, बिल्कुल बेचारी कैसे उसको कहें। जी वाल्मीकि रामायण में तो सीता जी को बहुत स्ट्रांग नहीं बताया सब गया है है कई जगह। एक प्रश्न आपके विचारों से मेरे दिमाग में आया है कि आजकल जो लेखन हो रहा है, विशेषकर महिला साहित्यकार जो आजकल लिख रही हैं, उसमें बहुत खुलापन सा है, कोई बहुत सारा ऐसा कहना चाहिए कि भाषाई उच्छृंखलता उसमें नज़र आ रही है, और विषय भी बहुत नए तरीके के, कुछ मर्यादा से आगे कई सारी चीज़ें जो अभी तक ढकी चुकी थी समाज के दायरे में वो बाहर आ रही हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो वो लोकप्रिय देखिए भी हो रहा है। ऐसा है कि वो ऐसी चीज़ें परोसती है तो सब लोकप्रिय हो गई होंगी, लोगों को आश्चर्य लगता है कि महिला भी ऐसा लिख सकती है। मेरा कहना है कि श्लीलता तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जो भी साहित्य जो है, अधर उघरे सुख देत, साहित्य में सब कुछ उघार के सब नहीं रख दिया जाता है, एक है। दूसरी बात है कि हमारे घर में हमारे चारों ओर मन गंदगी भी रहती, लेकिन हम ड्राइंग रूम में तो उसको नहीं रख लेते हैं ना, ड्राइंग रूम की सजावट करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती जो बहनें हमारी लिख रही हैं, तो एक अस्थायित्व तो होना चाहिए साहित्य में। साहित्य के जो 8 उद्देश्य हैं, तो उसमें मुझे वो बहुत पसंद है, व्यवहार विधेय, अर्थ कृत्य, वो तो अपनी जगह, कांता सम्मति उपदेश विधेय, जिस तरह से कांता कान में कहती है और उसको मानते हैं लोग धीरे से, जी
साहित्य कुछ कुछ फुसफुसा के कहता है, धीरे से कहता है और बहुत दिन तक वह स्थायी रहता है लोगों के मस्तिष्क में। तो इसलिए क्योंकि मैं तो कभी एक शब्द मेरे साहित्य में ऐसा खुलापन नहीं आता है और बातें सब कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसके शब्द अलग होंगे, उसमें सब कुछ है, चल रहा है। लेकिन मैंने अपनी पोती, जब बेटी मेरी अमेरिका जाने लगी तो उसको मैंने सिखाया, सब घर गृहस्थी की जो बात होती है वो सब सिखाया, लेकिन खुल के मैंने कहा कि आजकल स्त्री पुरुष लड़के लड़की नौजवान में सबका सेक्स रिलेशन और सब सुनते हैं जो होने लगा है आदि आदि, एक बात की गांठ मान लो कि स्त्री पुरुष के बराबरी के दंगल में मत जाना, नहीं है बराबर, हम विशेष हैं, हमारे विशेष दायित्व है हमारे ऊपर, तो हमारे विशेष दायित्व के निर्वहन के लिए हमें बहुत गंभीर। मेरे बेटे ने मुझे किसी को कहा कि मेरी माँ पान भी खाती है तो शालीनता से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटा यदि इस चीज को मानता है तो हमारा उठना बैठना चलना सब जगह सब ऐसा हो कि अगली पीढ़ी को प्रभावित कर सके। तो मैंने अपनी पोती को बेटी को कहा था कि ये सेक्स का लोग कहते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि पुरुष और बड़ा स्त्री इस माने भी बराबर नहीं है, क्योंकि पुरुष का कुछ भी नहीं बिगड़ता, लड़की माँ बन जाती, तो इसकी क्या जल्दीबाजी है क्यों? और इसी उम्र से मन पे नियंत्रण सीखना चाहिए, यदि तुम इसके लिए तैयार हो भोगने के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरा काम था खुल के सारी बातें तुमको बता दें। तो उसी तरह से अच्छा बच्चे पढ़ते हैं, आजकल लोग इंग्लिश में लिखना शुरू किए तो वही चाहिए उनको। अच्छा, इन सब के कारण भी मुझे लिखना पड़ रहा है कि हमारी जो इतनी भी जो इतिहास की बहनें रही, ये रहीं हमारी माइथोलॉजी की, वो कितना नियंत्रित रहीं, कितना, अब लोग कहते हैं उस समय तो प्रेम विवाह होता था, करने वो भी समाज के द्वारा ऑर्गेनाइज होता था, चुन सकते हो आप उसकी शक्ति को देखकर, उसके सब चीज़ को के गुण को देखकर, तो बहुत चीज़ें बहुत फास्ट जा रही है जो ठीक मुझे नहीं लगता, इतने फास्ट जाने की जरूरत नहीं, विकास में और परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए, धीरे धीरे हो रहा, बहुत परिवर्तन बड़े अच्छे हैं। और मेरी सास कहती थी, 60 साल पहले मेरी शादी हुई तो मेरी सास कहती थी कि तुम्हारा ही जमाना ठीक, मतलब बाहर निकल सकी, बच्चों को पढ़ा सकी, ये किया वो किया, तो कहती थी उसी तरह से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम साड़ी में लिपटे हुए, अब तक मेरी बहू जीन्स भी पहन लेती है सलवार, तो ये तो बाहरी परिवर्तन है, अंदर अंदर सब एक है। मेरे सामने मैंने 5 पीढ़ियाँ देखी है, लेकिन 5ों पीढ़ी में बाहर का परिवर्तन, जो मेरी नानी थी वो माँ नहीं, जो माँ थी वो मैं नहीं, जो मैं हूँ मेरी बेटी ने और उसकी बेटी ने, लेकिन अंदर अंदर तो वही ममता है जो गुण है, विशेष महत्व का गुण है जिससे सृष्टि चलती है। तो इसलिए इतना फास्ट होने की जरूरत नहीं है, एक अपने इतिहास को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए और अपने इतिहास में अपने जो मैथोलॉजी के जो चरित्र सब हैं उनमें जो गुण है उनके उनको अपने बेटियों में बेटों में डालने की जरूरत है। आप सार्वजनिक जीवन में आपका बहुत दखल रहा है, आप माननीय राज्यपाल भी रहे, बहुत सारे पदों को आपने सुशोभित किया। एक सामान्य आरोप ऐसा होता है कि साहित्य समाज को आईना दिखाता है, और जब हम सार्वजनिक जीवन में खास तौर से राजनीति की बात करूं, जब हम राजनीति में चले जाते हैं तो वो एक काजल की कोठरी है। आपने कैसे सामंजस्य बिठाया दोनों चीज़ों में, ये प्रश्न? कोई अंतर नहीं जी। देखिए जीवन में जितने क्षेत्र हैं जी, साहित्य हो, राजनीति हो, सामाजिक जीवन हो, कुछ भी है, जितने क्षेत्र हम जितने अलग अलग हैं, सबका काम है, मेन जो उद्देश्य है वो मनुष्य का निर्माण करना है और समाज को सुखी बनाना है। तो चाहे वो लिखने के माध्यम से हो या राजनीति के मंच से, अंतर नहीं है। ये यदि स्पष्ट हो जाता है तो आप दोनों जगह काम कर सकते हैं, जो कुछ साहित्य राजनीति को मार्गदर्शन दे सकता है और देता है, और राजनीति के कारण साहित्य प्रभावित होता है उनकी गतिविधियों से,
तो कोई फर्क नहीं मुझे लगा। और जहाँ तक महिला होने का महिला होने के नाते है, कभी किसी ने पीछे नहीं छोड़ा। उल्टा हमारे तो नेता लोग जबरदस्ती पीछे जाओ तो खींच के लाते थे। अरे मिठला जी कहेंगे अब कहाँ बैठी हैं। तो मुझे तो बहुत थाली में परोस परोस के मिला है, पद मिला है, सब कुछ, और बहुत मान सम्मान मिला है। तो इसलिए अपने ऊपर निर्भर करता है, अपनी दृष्टि साफ होनी चाहिए। हम साहित्य सृजन क्यों कर रहे हैं, हम राजनीति में क्यों गए हैं, हमने परिवार क्यों बसाया, हमें कैसे बच्चे का निर्माण करना चाहिए, और ये सब हो जाता है तो आपका ही जीवन, खास करके जो वृद्धावस्था है, वो सुखी है। बस दो बहुत छोटे छोटे से प्रश्न जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और फेसबुक ट्विटर सारे माध्यम हैं, हम ऐसा देखते हैं कि फेसबुक पर रोज़ सुबह एक नई रचनाकार पैदा हो जाती है, तो आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं? ये मुझे लगता है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन के बाद इसका जो क्रेज है जी, इस पर जो बहुत अच्छा लग रहा है, वो कम हो जी। लेकिन अभी फिलहाल जितना बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है, चाहे कहीं भी हो, कोई आंदोलन हो, कुछ हो, साहित्य हो, ये तो बोलना होगा कि उसका अच्छा भी प्रभाव है, थोड़ा बहुत बुरा। अब चावल की थाली में चार पांच कंकड़ तो होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया बहुत सी अच्छी चीज़ें आती, मैं भी देखती हूँ, मुझे पहले कुछ नहीं जानती थी, अब देखने शुरू लगी तो अच्छा लगता है। तो लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि इसको भी स्वस्थ मीडिया बनाना चाहिए, और जिससे जो अच्छा कह सकें। बहुत लोग कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला बोलना चाहिए, इस नाम पे कुछ भी रख दो, इसकी आवश्यकता है। लेकिन एक और मैं देख रही हूँ कि बहुत तरह से छोटी छोटी फिल्में बनाकर और उससे ये आगाह किया जा रहा है महिलाओं, कैसे कैसे फंसाते हैं लोग, नहीं जाना चाहिए, या महिलाएं कैसे फंसाती हैं, ये भी आ रहा है। जी हां, दोनों तरीके से आ रहा है। तो वो भी आ रहा है, महिला की आँख खोलने वाले भी लोग। तो सोशल मीडिया का प्रभाव है, रहना चाहिए, लेकिन महिलाएं जैसे चावल थाली में लेके कंकड़ बिन के फेंक देती हैं, इसलिए जो देखने वाले हैं सोशल मीडिया को, उनको भी कंकड़ों को फेंक फेंक के फिर देखना चाहिए। जो नए साहित्यकार आ रहे हैं और जो नए बच्चे लिखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहूँगी कि उनके लिए इस समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि मैं महिलाओं को हमेशा कहती हूँ, ये तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहूँगी, महिलाओं के लिए कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सभी दिशाएँ खुली, जल थल नभ पर तुम्हारे पाँव पर रहे, तुम जाओ। पिता भी सहयोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी सहयोग दे रही है, समाज दे रहा है, सब तुम्हारा विकास देखना चाहते हैं, तो तुम सब जाओ। लेकिन हम क्या हैं, हम क्यों आए इस समाज में, संसार में, और हमें समाज के लिए का हमारे ऊपर क्या ऋण है, और समाज का ऋण यही चुकता करके हमको जाना है, ये सारी मोटी मोटी बातें ध्यान रखो। ठीक बात है, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभारी रहूँगा।